Assalamu alaikum guys, and welcome back to Yawa the Power. We are back with another vlog. It's actually been quite a while because we've not had a chance to like make anything or anything. It's been quite busy for us for the past couple of days, so we've not been able to record. But today we knew that we had to record for you guys. So today we are going to a lovely, lovely restaurant. We've actually been invited to try their food, see what it's all about. And yeah, we're looking really, really forward to it because it's going to be quite nice. A lot of people are always asking us, you know, like, Newcastle mein kuch hai nahi hai. Such to ye hai ke Newcastle, aapko pata hai, choti jagah hai. Magar, it's expanding, it's getting better. You know, we are getting a lot of nice things here. So, khair, restaurants to yahan, waise apne jo hai, wo kam hai. I think there's about two. There's Akbar's and then there's another one. But khair, it's been quite slow. There's not many options here. So sometimes, आप देखते होंगे हम काफ़ी आउट ऑफ टाउन जाते हैं. वी एंड अप गोइंग टू लाइक ब्रैडफोर्ड और वी एंड अप गोइंग टू मैनचेस्टर और लीड्स, क्योंकि खाने के लिए यहाँ बहुत कम ऑप्शंस है. तो एवरीवन, माय गाइस इन न्यूकासल, प्लीज इफ देयर इज एनीवन दैट वॉचेस माय व्लॉग्स, हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, ओपन अ रेस्टोरेंट, ओपन अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट फॉर अस, फॉर एवरीवन एल्स. यू नो कॉम्पिटिशन काफ़ी है खैर दूसरी जगहों में, तो इसलिए यू नो अ लॉट ऑफ पीपल गो देयर बिकॉज देयर सो मेनी पीपल देयर. You know, when there's less people somewhere, I think it's a good idea to open a business, a new venture in a place where, you know, people might not know about it or something. But khair, it's been like this for years. We've struggled in terms of food here, but we are getting there. Slowly but surely, we are getting there. We are doing very, very well. So yeah, inshallah, today it's going to be quite good. We are going to be going to a new restaurant. We are excited. Everyone's getting ready now. Main to khair ho gayi. Ab ye dekhen, fur wali jacket maine pehni hui hai. क्योंकि बात यह है कि फर वाली जैकेट मैंने क्यों पहनी है. आप लोग सोच रहे होंगे क्यों पहनी हुई फर वाली जैकेट जब जून में हम मैंने क्यों पहनी है. खैर इसलिए पहनी हुई है क्योंकि ठंड है. द जैकेट गिव्स इट अवे कि इतनी ठंड है कि मैंने ये पहना हुआ है. अब हर रोज मैं ये कहती हूँ कि मैं चेक करती हूँ कि या अल्लाह अच्छा मौसम आ जाए, मैंने अच्छे कपड़े पहनने हैं, मगर ये नहीं होता. जितनी मुझे ठंड से नफरत है, मुझे ठंड लगती है और मैं भागती हूँ ठंड से, उतनी ज़्यादा ठंड मुझे लगती है. और इतनी ज़्यादा इस साल तो मुझे लग रहा है समर आ रहा ही नहीं है. तो मैंने अपनी वही जैकेट जो मैंने वापस रख दी थी और आपको एवरीथिंग अवे, आपको समर क्लोथ्स, लगता नहीं है कि वो होगा. तो खैर अब हम लोग जा रहे हैं एंड वी शैल टेक यू विद अस. जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यावर हुसैन अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में. सलाम अर्ज करता है. बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और ये काम आपने जारी रखना है. थैंक यू. और आज हम एक शानदार रेस्टोरेंट में जा रहे हैं. वो कौन सा रेस्टोरेंट है आपके साथ शेयर करते हैं, और वो है रेस्टोरेंट, आपको जाके दिखाते हैं. जी अब हम बाकी फैमिली का भी इंतजार कर रहे हैं, मोहतरमा का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कर रही हैं. हम तो रेडी हो गए, इंतजार की जरूरत नहीं है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. तो आ जा रियान बेटा. तो जैसा कि इन्होंने आपको बता ही दिया है कि पाकिस्तान करी न्यूकासल के जायकों में एक नए जायके का इजाफा हुआ है, तो हमने सोचा है कि उन्होंने हमें बड़े प्यार से इनवाइट किया, तो हमने सोचा कि जरूर जाके, वैसे भी हम तो जाते हैं, कोई भी न्यू चीज ओपन होती है तो हम जरूर सपोर्ट करते हैं जाके. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चाय शाय भी जब ओपनिंग हुई थी हम लोग गए थे, आप सबको भी हमने रिकमेंड किया था कि जरूर जाए. तो जी मैं अभी बता रही थी कि यहाँ कम ऑप्शन है, मगर जो ऑप्शन है उनको तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे और जरूर बताएंगे लोगों को कि अगर कोई है जो आउट ऑफ टाउन कभी आना चाहे तो ये जगहें हैं यहाँ. इवन जो हमारे टाउन के लोग हैं उन्हें भी बस दफा नहीं पता होता ना कि कौन सी न्यू जगह ओपन हुई है. और सबसे बड़ी बात है जब हम खा के बताएंगे कि कैसा है और सबको कहेंगे कि आप लोग भी आएं, तो फिर सब लोग आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो अब चलते हैं, आज हम रेयान को ले आऊं. Welcome everybody and I hope you all okay and we're going to a new restaurant and yeah. रेयान जैकेट चाहिए आपको? No. आज इतना अच्छा बेटा वार्म डे नहीं है, कोट पहन लो. है इट्स एक्चुअली फ्रीजन, कोट निकाल देती हूं उसके लिए. इट्स एक्चुअली रियली रियली कोल्ड. आई एम एक्चुअली वेयरिंग माय फेयर कोट गाइस, कैन यू बिलीव इट. Hey guys, assalamu alaikum, hope you guys are all well. Yes, so we have been invited to a new restaurant in Newcastle which we are going to be going and trying today, so really looking forward to that and we're going to take you guys along with us. I knew we were going today and you know what, at work I didn't eat anything, I'm starving. Yeah, Mahi. Oh sorry, Rehan.
there's so many options on this menu. Mm. Different cheese. Tel wale naan, aloo wale naan. Oh, very nice. Peshawari, chapli kebab, chicken kadai. Tea coffee. Sharbat, Meem Saab, Rose, Riksha, Refresher. ये क्या पप्पू खट्टा मीठा हाँ मॉकटेल का नाम है नींबू पानी यही मैं सोच रही हूँ ये क्या गोलगप्पे और सारी डिफरेंट चीज़ें रशियन सलाद समोसा चाट तड़का लाम बिरयानी इस वक्त तो अभी कुछ ही मंगा लें सही है जो हालत है सबकी ब्रेकफास्ट भी इनका होता है 9 बजे से 9 से 2 ये लोगों को बताना चाहिए कि सुबह 9 से लेके गाइस लुक दिस इज द एड्रेस आई एम जस्ट गोना पुट इट हियर सो यू गाइस कैन लुक दिस इज द एड्रेस सुबह 9 से Yeah, 3 baje se breakfast 9 till 2 and lunch is 3 till 10. Jitne pyare se seekh ke baap bane hue hain. Main to soch rahi hu ye bhi karne chahiye. कड़ी पकौड़ा दही बड़े गोलगप्पे जजाकअल्लाह थैंक यू वेरी मच अगर आप देख लीजिए ठीक है उसके बाद फिर मैं तुम्हें जमा देनी है ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू पहले इसका मज़ा लेंगे देन मेन कोर्स तक लेंगे लेकिन चले सब कुछ साथ ही आ गया तो और अच्छा क्योंकि मेरे पहले वेट भी नहीं हो सकता था खाना आ गया है और टेस्ट करते हैं कि जायका जो है इस वक्त कितना जायका है इसमें कितना जायका है और किस हद तक ये चटनी तो
सबको पता है कि सॉस के बगैर जो है मेरा गुजारा नहीं है। आने सॉस चम्मच से क्या खाना है The naan looks lovely. Sea kebab rice, really nice, very spicy. I'm not even a naan person, but the naan looks really good. नान प्रॉपर कुलचा है और ये तेल लगे हुए ये देखें और शायद न्यूकासल में कोई भी नहीं और न्यूकासल में ऐसा कोई नहीं बनाता यहाँ पर इस वक्त और टेस्ट के बड़ा सॉफ्ट है तेल लगे हुए और बड़ा सॉफ्ट है खाने में हम इसको कढ़ाई चिकन के साथ हमने टेस्ट किया है नहीं लैम कढ़ाई और ये लैम कढ़ाई है और इसके साथ हमने ये टेस्ट किया है बहुत अच्छा जायका है लेकिन ये बड़ा सॉफ्ट है मैंने ये देखें कि बिल्कुल आमतौर पर नान हार्ड थोड़े होते हैं लेकिन ये देखें ये बिल्कुल आराम से ये इसके साथ मज़ा आ रहा है Yeah, I think I'm gonna try the naan. Naan breaker. Can you eat? ये स्पेशली जो है उन्होंने खुद ही बना के भेजी है कि हम लोग ट्राई करें और जैसा वेदर है उसके हिसाब से चिकन भी मगर ये जो इनके नान है ना वाकई कुलचे हैं पाकिस्तान के बाद अगर कभी ये टेस्टी कहीं मिला खाने का जो यहाँ पे आ जाए बिल्कुल वही टेस्ट है जो पाकिस्तान का है हाईली रेकमेंड 10 out of 10 जरूर 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 ट्राई करें इसको बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा बिल्कुल कुलचे की टेस्ट है बिल्कुल कि नहीं बहुत से लोग बनाते लेकिन टेस्ट वो नहीं आ पाता है लेकिन इनका टेस्ट भी एक्जैक्टली वही है वेरी यस लवली What do you think is the best thing here? Kebab, kulche and skajvi is the best. Oh yeah, the drinks look I love my skajvi. I literally drank the whole thing. Mujhe bahut pasand hai. Yeah. We got so excited seeing the skajvi that we totally forgot about the It really reminded me of like Pakistan. Remember when we went to Lahore and we had it there? Well, anyway, you have to use skajvi. Like, I love skajvi. You had to give me a jug. And the jug was also finished. It's so nice. It's so nice. Because it's fresh lemon squeeze. Bits lemon. And it's so best skajvi. It's the best in the town. Yeah, 100%. It's very nice. हर चीज बहुत अच्छी थी फिश बड़ी अच्छी थी सारा खाना बहुत अच्छा मगर जो खाने का मजा इसने दुबला कर दी और बहुत अच्छा इसके लिए है ये कमाल क्योंकि वो सोच रहे होंगे ना इन्होंने इतना ज्यादा खाना खाया तो थोड़ा तो इनको हजम करने के लिए चाहिए ना इनको ये दिया जाए ताकि इनका डाइजेस्ट हो अच्छा मुझे कुलचे बनाए थे बहुत अच्छे बहुत मजे का स्पेशल कुलचे अच्छा उसका मजा कढ़ाई के साथ ही आएगा और मुझे कुलचे पता है कब पसंद होते हैं पाकिस्तान में जब हम कुलचे लेते थे चाय के साथ कुलचा का मजा ये कुलचे हमें किसी दिन नाश्ते के लिए लाके दे रहे हैं क्योंकि इसका जो मजा नाश्ते में आता है ना चाय के साथ कुलचा बहुत मजा आता है कुछ भी नहीं चाहिए इतने मजे के थे ना खस्ता और प्रॉपर सही पिलो वाले और रोगनी जिस तरह होते हैं ना उस तरह के थे ये इसके साथ आपको कुछ भी नहीं चाहिए ये तो चले अभी हमने कढ़ाई ऑर्डर की थी तो हमने खाई है क्योंकि हमने ट्राई करनी थी कढ़ाई कढ़ाई जो थी ना वेरी सॉफ्ट और बहुत टेंडर था मीट इसका कि आपका और यही होना चाहिए गॉड ब्लेस यू रैन के आपको मैंने कहा था कोट पहनने तो कढ़ाई की जो है ना असल उसमें यही होना चाहिए कि जो आपका मीट है ना वो फुल टेंडर होना चाहिए कि जब आप उसको तोड़ें तो वो फौरन बिल्कुल टूट जाए वो फौरन टूट जाए और इनका मीट बिल्कुल इसी तरह ही था और प्रॉपर जिस तरह हरी मिर्ची अदरक हरा हर चीज़ बहुत फ्रेश है जिस तरह घर में हम बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरह था और फ्रेश था बिल्कुल ना
तो कढ़ाई भी बहुत अच्छी है इनकी, और नान की तो हम जितनी भी तारीफ करें कम है, रोगनी नान की जो कुलचे थे उसकी वो तो कम है, और सीख कबाब फ्रेश थे, बहुत अच्छे थे और बड़े स्पाइसी मजेदार, फिश बड़ी अच्छी थी, फिश बहुत अच्छी थी, फिश भी बहुत अच्छी थी, पीस जो हैं बड़े अच्छे, वो इतनी चीजें थी कि अभी याद नहीं, अब याद भी नहीं आ रहा क्या क्या चीजें थी वो बताए, और डेफिनेटली ये टॉप है ना, टॉप है ये, दिस इज द टॉप, टॉप चेरी ऑन द टॉप जो था ना वो ये इनकी फ्रेश चिकन जी ने जो, और क्योंकि हमारे लिए रेसिपी सरप्राइज रहा ना, हमें पता नहीं था कि ये आ रही है और एकदम से आ गई, तो हमने सोचा है ये क्या, और अब हमारी कोशिश ये है कि इसको किसी तरह से फिनिश किया जाए, बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा, ये हम जबरदस्ती इसको फिनिश करने की पूरी कोशिश, और हम ये रिकमेंड करेंगे आपको कि जब भी आप न्यूकासल आए तो जब भी आए तो खास तौर पर आपने ये रोगनी नान इनके जरूर खाने, और ये तो हम इसको 10/10, क्यों जी, बिल्कुल जो जो चीज़ें हमने खाई हैं उनके लिए तो हम आपको बता सकते हैं, और बाकी चीज़ों का हम आइडिया ही कर सकते हैं कि सब्जी इतनी अच्छी थी और प्रॉपर ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल टेस्ट है ना वो इतनी, मुझे ये बड़ी चीज़ें पसंद आई हैं, बिल्कुल जो देसी हैं ना हमारे पास, देसी माहौल तो डेफिनेटली टेस्ट भी काफ़ी देसी था। अच्छा मेरे पीछे ये क्वेश्चन है, ये देखो ये आपके लिए है, पप्पू यार तंग ना कर, पप्पू यार ये देख मैंने तो लगे मैं किसी रिक्शे बह गया, पप्पू यार तंग ना कर, क्यों है ये, इसलिए कि आप लोग सुकून से खाना, अगर कोई आपको तंग करे खाना खाते हुए, डिस्टर्ब करे तो आप ये कह रहे हैं, आप ये दिखा दे पप्पू यार तंग ना कर, अभी डिस्टर्ब ना करो खाने, तंग ना कर यार खाना खा लेंगे, तो मुझे तो ऑनेस्ट में जब इस सीट पे आके बैठा मुझे यूं लगा कि जैसे मैं किसी रिक्शे में आके बैठ गया, बहरहाल खाना जी इनका बहुत अच्छा है, मुझे तो पता नहीं काफी ज्यादा ना लाहौरी सी फील है, लाहौरी फील है क्योंकि जिस तरह के ये कुछ चीजें रिक्शे ट्रक्स है, और पीछे वो देखो मधानी है, वो रखी है और पीछे वो ट्रक है, ये माँ की दुआ, जन्नत की हवा जी, ये देखें ये सही ट्रेडिशनल, ये गुलदान सा बनाया, पंगा इज नॉट चेंज तो मेरा ये दिल है कि मैं ये शायद अब मैं आपको नसीहत भी कर रहा हूं नहीं, और ये बता भी रहा हूं, सबके लिए एक एक क्वेश्चन है हमारा, ये वाला जो है ना ये रयान के लिए अब ये देख ले, और ये मम्मी का, मैं आपको ये मम्मी के लिए ये दिखा रहा हूं, ये मेरा है कि आप कहीं भी रहें, हां जन्नत की हवा, आप कहीं भी रहें जहां भी जाएं, लेकिन इस बात को याद रखें कि ये क्या लिखा हुआ, पंगा नॉट चंगा, ठीक है ना, तो ये देख लें आप, तो ये करना नहीं है किसी के साथ, नहीं करना आपने सिर्फ, फिर आपको पता है पंगा लेने से क्या होता है, ये मुनासिब नहीं है, बाहर रिक्शा बना हुआ है, ये देखिए ये रिक्शा है, और ट्रक्स भी हैं, और ट्रक भी है, उधर ट्रक हैं सारे कुशन के ऊपर, ये मेरे पीछे आप क्यों रख रहे हैं, बस पंगा करना है ना, मैं तो बहरहाल खाना जी 100% हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ कंफर्ट भी है और घर के पास है, और ये वेस्ट रोड पर ये जायका रेस्टोरेंट है, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे घर से तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बिल्कुल, और ये वेस्ट रोड जो न्यूकासल के मारूफ रोड है, जैसे विंजरो रोड है मैनचेस्टर में, इसी तरह ये वेस्ट रोड है न्यूकासल में, आप यहाँ आइए, और जायका रेस्टोरेंट पास कर दिया हमने, और रिकमेंड भी करेंगे आपको कि आइए, इनका खाना बहुत अच्छा है, आप इंजॉय करें, थैंक यू।
इस वक्त मैं जायका रेस्टोरेंट वेस्ट रोड पर मौजूद हूँ। ये जायका वाकई शहर का एक अनोखा जायका है, इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन शहर के जायकों में ये बेहतरीन इजाफा है। रेस्टोरेंट ये कहाँ है? वेस्ट रोड मारूफ जगह है न्यूकासल में। आप आंखें बंद करके आ सकते हैं और यहाँ आकर जुबान के जायके के साथ साथ ये जो जायका है तब्दीली का, ये भी आप देख सकते हैं। इस वक्त जायका रेस्टोरेंट के ओनर मालिक जनाब मोहम्मद इमरान साहब मेरे पास मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई हैं। मैं इनका दिली ममनून हूँ जिस कदर इन्होंने आज पूरी फैमिली की हौसला अफजाई की है, इज्जत अफजाई की है, यह हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। अब इनसे चंद एक बातें करेंगे रेस्टोरेंट के हवाले से, क्योंकि इस लाइन में ये कब से हैं, कैसे ये शौक हुआ, ये सारी बातें जनरल इनसे करें। इमरान साहब क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया भाई। और सबसे पहले तो आपका खाना जनाब लाजवाब, और जो जो कुछ आपने हमें दिया है और वो बड़ा लाजवाब खाना था, उसमें कढ़ाई लैम्ब कढ़ाई थी और कुलचे, तो मैं समझता हूँ कि लाजवाब बहुत ही अच्छे पाकिस्तान का टेस्ट आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा कबाब फ्रेश बहुत अच्छे थे, फिश जो इन्होंने दी बहुत अच्छी थी, और उसके साथ जो लवाजमात होते हैं चटनी रायता और बिरयानी वगैरह, ये हर चीज़ बहुत अच्छी। आप वाकई महसूस करेंगे कि हमने घर आ गए अपने पाकिस्तान में, और ये जायका आपको न्यूकासल में मिलेगा। अच्छा, ये शौक कब से इस लाइन में, क्या है? आपको तो यादगार आपका माशाल्लाह साथ वो मिठाई की एक बहुत बड़ी दुकान है जहाँ पर सुबह का नाश्ता भी होता है, अब बहुत ज़रा तफसील हमें बताएं माशाल्लाह। सर हम लोग वो नीचे नाश्ता बेच रहे थे, हलवा पूड़ी वगैरह, ये वो थोड़ी बहुत हमने अपनी करीज वगैरह शुरू की, तो हमारे कस्टमर ने हमें बहुत रिकमेंड किया, बहुत फोर्स किया कि आप लोग करी स्टार्ट करें। करी थोड़ा बहुत हमने पिछले लास्ट 3-4 मंथ से करी स्टार्ट की। अच्छा, कस्टमर ने बहुत लड़ाई की। अच्छा, यादगार की कस्टमर काफी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में। शेफ पाकिस्तान से है या यहीं से? शेफ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से? शेफ पाकिस्तान से है। अच्छा, तो जैसे हमने करी थोड़ा बहुत स्टार्ट की, तो हमने फिर सोचा कि चलो थोड़ा बहुत साथ में नेक्स्ट और एक छोटा सा पाकिस्तानी चस्का शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे जरा बैठे बैठे ख्याल आया? बैठे बैठे ख्याल आ गया। बिल्डिंग तो हमारे पास आई हुई थी 5 मंथ से, हम यही प्लान में थे कि क्या खोलें क्या खोलें क्या करें क्या करें इसके अंदर क्या बनाएं। अच्छा, तो जैसे ही शेफ फिर हमारे पास आ गया, पहुंच गया, तो फिर हमने कहा भाई देसी खाने करेंगे। अच्छा माशाल्लाह, जायका स्टार्ट करेंगे, और इसका नाम भी फिर जायका ही हमने रखा, पंजाबी कुजीन, कि इसके अंदर बेहतरीन किस्म का अल्लाह पाक जायका डाल दे। मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह आज खाना खाया है जी, बहुत अच्छा खाना, तो लाजवाब है। और कमेंट जो है सेक्शन में आप भी देखिएगा, और मैं आपको एक खास इनकी बात में, कंफर्ट बहुत है, ये बैठने की जगह बड़ी अच्छी है, ऊपर भी है जगह बैठने की, नीचे भी है जगह बैठने की, और बिला तकल्लुफ आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, खास नाश्ते में क्या है? नाश्ते में हमारे पास स्पेशल जो है हमारी हलवा पूड़ी है। अच्छा, निहारी विद कुलचे हैं। अच्छा, ये कुलचे जो हमें, यही कुलचे हैं। अच्छा, तिल वाले नान हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास पाए हैं, पाए के पास सरसों का साग है नाश्ते में, लच्छा पराठे हैं, लच्छे पराठे के साथ आमलेट है, और सारा ये देसी नाश्ता है, छटने नहीं चीज ये हमारा सारा देसी नाश्ता रोज मिलता है आपको। अच्छा, ये 24 आवर्स है, ये नाश्ते 7 डेज अ वीक है। अच्छा, टाइमिंग मॉर्निंग 9 PM है। अच्छा, और फिनिश है 2 PM पे। अच्छा माशाल्लाह, नाश्ता बड़ा लंबा रखे है, नियाज दिल दे। लोग आते ने शौक ना खाने से, मैं डसबरा तो संडरलैंड तो सोची तो न्यूकासल तो सारे से अपने कस्टमर खड़े है। नॉर्मली वीकेंड से सैटरडे संडे लोग उठते ही 12 बजे जाहिर है 12:30 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फिर जो टेक अवे वाले बाहर वाले टैक्सी वाले जो मॉर्निंग से आ जाते हैं फिर नाश्ता कराने से, फिर उन्होंने वजह तो फिर मॉर्निंग से खोलना पड़ता है। अच्छा, खाने में खास तौर पर आपकी क्या चीजें ऐसी मशहूर हैं कि जो बंदा आंखें बंद करके आए कि जी चलो इमरान को चलिए यार फलानी चीज होती बड़ी अच्छी है, आप बताएं कौन सी? पेशावरी चपली कबाब हमारा बहुत मजेदार है। पेशावरी चपली कबाब जी, सुन लें क्या क्या चीजें। चपली कबाब है, लाम कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, हमारे पास बारबेक्यू में चिकन टिक्का है, लाम चिकन सीख कबाब है, लाम सीख कबाब है,
हमारे यंग जनरेशन जो है वो बड़ी शौक से चिकन विंग्स खाने आते हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें खास तौर पे कोई मसाला तैयार किया गया? ये हमारे जो शेफ साहब हैं उन्होंने कोई अपना स्पेशल पाकिस्तानी भटोड़ा इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की और पूछने की, वो कह रहे नहीं यार ये मेरी रेसिपी है मैं बता नहीं सकता। अच्छा, बता नहीं सकता। उसमें ये है कि खास एक जायका अलग है उसका? हाँ, उसका जायका अल्हम्दुलिल्लाह का अलग है। अब न्यूकासल में बाकी भी ये पूरा माशाल्लाह फूड स्ट्रीट है, वेस्ट रोड तो फूड स्ट्रीट है। तो इस तरह का फूड आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास जायका में है वो नहीं बाहर मिलेगा। अच्छा माशाल्लाह, देख लें जी क्या क्या कुछ है इनके पास, सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं। अब आपका काम है इनकी हौसला अफजाई और टेस्ट चख के आपने बताना है। और बड़ा अच्छा पूरा मसाला ले आओ टब्बर ते नाले ही खाला। याद रखिए यावर द पावर विद इमरान। थैंक यू। No, fully comfortable. Which day is busy? Which one? Weekends are usually busy. Weekdays are also busy. Sometimes breakfast and the dinner are busy. Subah se shaam tak karti hain regular? No, we have shifts. We have morning shifts and rotation. We do morning shifts, evening shifts. So, aap kya recommend karenge ki hum logon ko kya kahe, kya khane ke liye aaye? This is completely desi menu. So usually we see people of mostly desi people coming over here. अच्छा, so we recommend all the desi specials, everything Pakistani Punjabi cuisine menu, so everything is fabulous over here, can try. ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, यंग बच्चियां हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं। और माशाल्लाह मतलब घर वाला, आप फैमिलीज को लेके आए क्योंकि माहौल अच्छा है, फैमिली रेस्टोरेंट है। और आपको अगर सेपरेशन चाहिए तो ऊपर भी इनका है, वहाँ पे आप मतलब सेपरेट भी अपना बैठ के अपना पार्टीज भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पार्टीज वगैरह हो सकती हैं? कुछ पार्टी जी पार्टीज नहीं है हमारे पास अभी। लास्ट वीक हमारे पास इसी हॉल के अंदर 50 लोगों की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, और ऊपर हमारे पास भी 30 लोगों की निकाह पार्टी भी हुई है अभी। और दो बुकिंग है हमारे पास निकाह पार्टी की ऊपर वाले हॉल के लिए। ऊपर 40 लोग आराम से बैठ सकते हैं ऊपर वाले हॉल में, और नीचे 50 बैठ जाते हैं। दो पार्टी अभी तक होगी और दो की बुकिंग हमने की हुई है। माशाल्लाह और बरकत दे। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर आप लोगों ने अपना कोई भी छोटी सी अपनी पार्टी करनी है, कोई फैमिली फंक्शन है 50 पीपल तक का, तो इजीली आप बर्थडे पार्टीज, निकाह और इवेंट्स के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि जगह है। ऊपर सेपरेट रूम है ना, ऊपर सेपरेट है कि आप डिस्टर्ब भी ना हो। आपको ऊपर ही भाई ने बताया कि ऊपर जो है निकाह के ऊपर और अभी भी दो बुकिंग उनके पास और है। तो अच्छी जगह है न्यूकासल में, अक्सर हमें ऐसी जगहों की तलाश होती है जहाँ हम छोटा फंक्शन कर सके, क्योंकि छोटे फंक्शन के लिए जगह नहीं यहाँ पे मिलती है। तो देखिए आज हम आपको कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हमें खुद भी मिल रही है, हमें भी नहीं पता था, हमें खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पर ये हमारे लिए जो है ना फैसिलिटी है। स्टाफ अच्छा है, अच्छी है और काफी फ्रेंडली है और क्विक सर्विस है। सबसे अच्छी बात यह है कि सर्विस इनकी बहुत क्विक है माशाल्लाह, कि अभी नया है लेकिन लगता नहीं कि नया है, जिस तरीके से माशाल्लाह इन लोगों की प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल सर्विस है इन लोगों की। तो हम तो यही कहेंगे कि वाकई हमारे लिए, हम लकी हैं कि हमारे लिए एक और अच्छी जगह यहाँ खुल गई है, वरना यहाँ तो आपको पता है कि ज़्यादा हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है कि अगर हम कहीं जाना चाहें तो कौन सी कोई अच्छी जगह है कि जहाँ पर हम चले जाएँ। तो अब ये कि चलिए हमारे लिए एक अच्छा हो गया है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब भी आप यहाँ से आगे आप लोग आ जाएँ। और हम तो वैसे ही क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं तो अब तो आते ही जाते रहेंगे, और अब हम जल्दी इनका नाश्ता ट्राई करेंगे और फिर इंशाल्लाह वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि हमने जब यादगार में भाई बता रहे ना नाश्ता यादगार का, तो एक दो बार हम लोगों ने मेहमान आए तो हमने हलवा पूरी और आलू के पराठे मंगाए थे, मैं कहती हूँ बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो मैंने खुद घर में बनाए हैं या बाहर से। हमने इतने इतने बड़े और बहुत बड़े नाइस पराठे, स्पाइसी नाइस पराठे थे। तो वो लेकिन भाई ने यही उस वक्त भी इनको कहा था डैडी को आपके, कि आप यहाँ आके करें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो इंशाल्लाह वीकेंड पर किसी वक्त हम आज के नाश्ता भी यहाँ पर जो है ना करेंगे और फिर आपसे भी शेयर करेंगे कि हलवा पूरी चलिए। अगर देखो हम जब जाते हैं ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, लंदन, तो हम वहाँ जाके बाहर इन चीजों के लिए हम ढूंढते हैं ना कि हमारे पास चीज जगह। हाँ, अब यहाँ पे है तो डेफिनेटली हमें जरूर इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। तो बस आज के लिए माशाल्लाह इतना खाली है कि अब तो
पूरा जग लेमोनेड का शिकंजवीन का पी लिया हमने, खत्म कर दी खत्म ही हो गया, देखिए ये हमने पूरा पी लिया, ये पूरा भरा हुआ था। तो आई होप कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा यहाँ पर और सबने इंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। हमने तो बहुत ही इंजॉय किया है, बहुत अच्छा खाना था, बड़ा मजा आया और बस इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ क्योंकि आगे आ रही हैं, क्योंकि ईद इज कमिंग सून, तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आ रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपके लिए वीडियोज़ आएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जावेद द पावर।